नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ पनीर से बने बहुत ही टेस्टी एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर, और पनीर को मैंने इस तरीके से पतले स्लाइस में काट लिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा मोटे टुकड़ों में भी काट सकते हो। पनीर आप अपने जरूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। एक कटोरी में हम डाल लेंगे आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, दो पिंच हम डालेंगे हल्दी, साथ ही हम डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर और नमक डालेंगे 1/4 चम्मच। थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम पनीर में डाल देंगे जो हमने मसाले को मिक्स करके रखे थे, और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें सभी पनीर में मसाले को मिक्स कर लेना है। बहुत ही पतले मैंने यहाँ पे काटा है पनीर को। अगर अच्छे से हल्के हाथों से हम मिक्स नहीं करेंगे तो पनीर टूट जाएगा। मैंने यहाँ पे एक ले लिया है पतला सा स्पैचुला, और उसकी मदद से हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे मसाले को। तो अच्छे से मैंने पनीर में मसाले को मिक्स कर लिया है। अब हम रेस्ट के लिए रखेंगे 15 मिनट के लिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएंगे। 15 मिनट बाद हम एक बड़े बाउल में ले लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 3 चम्मच मैदा। थोड़ा सा हम पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पतला घोल हमें तैयार करना है। मैदे और कॉर्नफ्लोर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इस तरीके से पतला घोल हमें चाहिए। और मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस को मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है। अब हम एक एक पनीर के टुकड़े को यहाँ पे मैदे के घोल में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से अच्छे से हमें दबाते हुए कोट कर लेना है। तो इसी तरीके से सभी हम पनीर को कोट कर लेंगे, फिर हम फ्राई करेंगे। देखिए, पहले हम मैदे के घोल में डिप करके और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे से लपेट लेंगे। थोड़ा सा टाइट हाथों से आपको इस तरीके से कोट करना है। अब हम कढ़ाई में डाल लेंगे तेल। तेल जैसे ही हमारा मीडियम गर्म हो जाएगा, हम एक एक पनीर डालते हुए फ्राई करेंगे। डालते टाइम हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे, फिर हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। एक हम बड़ा चम्मच ले लेंगे और इस तरीके से हल्के हाथों से हम चलाते हुए बीच बीच में फ्राई करेंगे। बहुत ही जल्दी ये नाश्ता हमारा फ्राई हो जाते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए और आप देख सकते हो जो पनीर का कलर है बहुत ही अच्छे से चेंज हो गया है। निकाल लेंगे हम और इसी तरीके से बाकी भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए, और जितना आपको ये नाश्ता देखने में सुंदर लग रहा है, खाने में भी उतना ही आपको टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।